وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.

सामने जिक्राम सूर्य मुजम्मिल आयत नंबर ग्यारह हमारा आज का मौजूद इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुजश्ता सबक का इदा होगा शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है कुछ शक नहीं कि रात का उठना बही को सख्त पामाल करता है और उस वक्त जिक्र भी खूब दुरुस्त होता है तो दिन के वक्त तो तुम्हें और बहुत से शगल होते है तो अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो और हर तरफ से बेताल्लुक होकर उसी की तरफ मुतवजे हो जाओ ला इल्ला वही मशरक और मग़रब का मालिक है और उसके सिवा कोई मबूद नहीं तो उसी को अपना कारसाज बनाओ वाकूना और जो जो दिल आजार बातें ये लोग कहते हैं उनको सहते रहो और अच्छे तरीक से उनसे किनारा कश रहो स्वामी जिकराम सूर मुजम्मिल आयत नंबर ग्यारह लफ्जी तर्जुमा व वरनी क़लीला। वज़रनी और छोड़ दो मुझे और उन लोगों को जो हक को झुटला रहे हैं जो बज़ाहिर खुशहाल हैं जिनको मैंने नेमतें दी हुई हैं वह माह हिल हम कलीला और कुछ थोड़ी थोड़ा, थोड़ा उन्हें मोहलत दे दीजिए इन लदैन अनकालन हमारे पास इनके लिए भारी बेड़ियाँ हैं जहीमन और भड़कती हुई आग है व ताम जा दिन और हलक में फंसने वाला खाना है वाज़ाबन अलीमा और दर्दनाक आजाब हैं साम मुकज़बीन के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुकज़बीन को छोड़ दो उनके हाल पे छोड़ दो यानी इनको थोड़ी मोहलत दे दो और बाद में जो है इसका अंजाम वो बताया गया है कि इन कि मेरे पास बीड़ियाँ हैं बहरल थोड़ा सा अगर आप गौर करें देखें ये सारे मज़ामीन जो हैं ये हमारे लिए हैं कुरान पाक के सारे मज़ामीन हमारे लिए हैं और हमारी आबरत के लिए हैं हमारे लिए इसमें इसमेंत है नसीहत है अब देखें जो यहाँ तक का मज़मून हमने पढ़ा है तो उसमें आखिरी आयत यही है कि वसबिर आलामा याकुल नवाजरम हजन जमीला कि जो कुछ ये कह रहे हैं इनको कहने दीजिए और इन्हें इन यानी बेहतर तरीक़े से इनसे अलग हो जाइए शराफ़त के साथ और आज का जो सबक़ है सामने क्राम वजरनी वालज़बीना छोड़ दें जे मुझे और ख़ुशहाल लोगों को दो इसमें बुनियादी तौर पे मज़ामीन है एक तो जो ख़ुशहाली है वो इंसान के लिए अक्सर बर्बादी का पैगाम लाती है इस बात को अच्छी तरीके से नोट कर लें यानी जो बाहर जिसको हम खुशहाली कहते हैं कि पैसों की रील पील हो अच्छा खाना हो अच्छा पहनना हो अच्छा आपका माशरे में एक अच्छा स्टेटस हो तो ये सारी बातें जो हैं इंसान की तरक्की के लिए दुश्मन आ, दुश्मन बन जाती हैं क़ुरान इस बात पर शाहिद है कि हमेशा जो पहली मुखालफत की गई पैगंबरों की तो वो खुशहाल तबके ने की जो खुशहाल थे जो अपनी रंग रलियों में मस्त थे और ख़ूब ऐसे ज़िंदगी से फ़ायदा उठा रहे थे तो आम तौर पे जो हक का मुकाबला है ये बात नोट कर लें कि ये साहेब सरबत लोग आम तौर पे साहेब सरबत लोग खुशहाल तबका मुतरफी के अलफ़ा हैं कि जिसको यानी सरदार सरदारान कौम या खुशहाल तबका इन्होंने हक़ की मुखालफत की है तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कभी भी हक़ की यानी दुनिया में आप हक़ के जोया रहिए हक़ के तालिब रहिए खुशहाली की ज़िंदगी गुजारना या बसर करना अक्सर अवकात इंसान के लिए हलाकत का सामान पैदा कर देता है क्योंकि आम तौर पर जो खुशहाल तबका है जो पैगम्बर की दावत होती है सामने का हम थोड़ी सी तोजो से सुनें जो पैगम्बर की दावत होती है वो तो लियत है वो तो तोी है वो तो जान व माल की कुरबानी है अल्लाह की राह में जैसे कि एक आयत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ के हल अदुलुकुम अला तिजारत तुनजीकुम मिन अजाबिन अली अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मैं तुम्हें क्या ऐसी तिजारत ना बताऊं हल अदुलुकुम क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊं तुनजीकुम मिन अजाबिन अली जो तुम्हें दरनाक अजाब से निजात दे दे तो मिनुनबिल्ला व रसूल ही व तुजाहिद नफी सबी बम वालकुम अनफुम झालकम खैरकुम इनकुन तुम तालो ई ईमान बिल्ल अल्लाह पर ईमान इसकी मैं तश्रबी कर चुका हूँ लेकिन मख्तसर ईमान बिल्ला यह है कि आप सिर्फ अल्लाह के हकम के सामने सर झुका दें ईमान बिल्ला यह है कि आप अपनी से न गुजारें। आप मर्जी से ज़िंदगी ना गुज़ारें ईमान बिल्ला यह है कि आप अल्लाह की मर्ज़ी के सामने सर झुका दें बला भलामन असलम वजह हुआ मोहसिन बलहू अजरुह आंदर अब्बी वाला ख़ौफिन वलाुम्यानून जिसने भी अपना सर झुका दिया अल्लाह ताला के सामने और इसमें यह मुखलिस भी हो तो उसके लिए अजर है फ़ल وَلَا इंदरबी वन वलाम यह जरूर तो बहर ये सामने कराम मेरे और आप, आपके सोचने की बात है यह मकजबिन के अल्फाज हैं थोड़ा सा सामने क्राम गफिक की मैं दावत देता हूँ और अक्ल से काम लेने की दावत देता हूँ मक़्बिन के साथ नमत यानी खुशहाल तबका वो लोग जो खुशहाल हैं बज़ाहिर खुशहाल हैं खुशहाल ये नहीं है खुशहाली का ये मतलब मेरा ये नहीं है या यहाँ जो है खुशहाली का असल मतलब यह है कि आप पे नमतें हैं आप यानी अल्लाह ताला की न्यामतें हों वाफिर मकदार में पैसे आपके पास ज़्यादा हों रहना अच्छा है पहनना अच्छा है आपका माशरे में स्टेटस अच्छा है तो आप बज़ाहिर खुशहाल लोगों में शुमार होंगे भाई ये तो बड़ा खुशहाल इंसान है यानी खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे तो बहरहाल ये बात जरा नोट कर लें तो इसमें खुशहाली और झुटलाना अल्लाह ताला ने इसको मिला दिया है यानी खुशहाली और झुटलाना अल्लाह ताला ने इन दोनों को यकजा कर दिया और फिर अपने पैगम्बर को ये कह रहा है कि ये खुशहाल लोग तो तुम्हारी दावत को झुटलाएंगे इनको तुम छोड़ दो की फिक्र ना करो और इन्हें थोड़ी मोहलत दे दो <coughs> महिल कलीला क्या मतलब इसका दुनिया एक बात नोट कर लेने का नाम दुनिया मोहलत आजमाइश और मोहलत का की जगह है यहाँ मोहलत दी जाती है और आजमाइश व नबलू वल शर फितना अल्लाह फरमाता है कि मैं आपको ख़ैर और शर दोनों हालतों में आपको आजमाऊंगा तो आजमाइश और मोहलत ये दो बातें हैं साम कराम अक्सर तो बात यह है कि इन दोनों बातों से हम गाफ़िल हैं मैं और आप जिस माशरे में रह रहे ये माशरा इन दोनों चीज़ों से ناواقف है एक तो दुनिया की ज़िंदगी को हम امتحان अपने लिए नहीं समझते दूसरी बात यह है कि इम्तहान भी नहीं समझते और इसको मोहलत की जगह भी नहीं समझते आम तौर पे यानी मोहलत दिए जाना ये मोहलत दिए जाना जो है वह उमली लहुम इन क़ैदी मतीन अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इस बात की अच्छी तरह वजाहत की है इनजी न कफ़र व कस जबू ब आया तेना जो हम है व उम ली इन न कैदी मतिन जो लोग इनकार करते हैं और जुटलाते हैं मेरे अहकाम को तो इनको मैं दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता अपने मुकाम से नीचे की तरफ ले जाऊंगा और ऐसा ले जाऊंगा कि इनको पता ही नहीं चलेगा सनस्तद्र जो हम मिन है सुलाय आलमून आज का इंसान जो है इसतराज में है नुकसान में है नुकसान का मतलब अगर तफसील से अगर आप जानना चाहें तो ये इस्तेदराज है यानी आप देखें हमारी आम माशरे की जो हालत है ये एक बागी माशरा है ये एक नाफ़रमान माशर है अल्लाह ताला के अहकाम का इस माशरे ने अल्लाह ताला को भुला दिया है बहसीियत मकसूद महबूब और मतलूब अब इसमें आप देखें कि खाना पीना और ये खाने पीने की फ्रावानी है अक्सर पहले ज़माने में हम सोचते थे या सुनते थे कि पैसा नहीं होता था आजकल पैसे की बहुतात है यानी आम तौर पे यानी ऐसे बहुत से लोग हैं पहले तो अयूब खान के दौर में 22 ख़ानदान थे या कहा जाता था 22 ख़ानदान ने इन्होंने मिल को निचोड़ लिया है अब जो है बाईस हज़ार हैं या बाईस लाख हैं जितने भी हैं औसत तबका जो है वो भी मौजूद है अमीर उमरा भी मौजूद हैं और ये सारे जो हैं यानी यानी इस खुश फहमी में हैं कि बस अल्लाह ताला हमसे राज़ी है और वो हमें नेमतें दिए जा रहा है और हम उससे फ़ायदा उठाए जा रहे हैं और देखें ये एक बड़ी लंबी और दुख भरी दास्तान है लेकिन यह है कि अब मैं क्या करूँ मैं तो एक जगह नहीं हटक सकता और अपने मज़मून की तरफ आता हूँ और मज़मून क्या है वरनी वमुकज़बीनत व माह हूँ कलीला देखें अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है अल्लाह ताला अपने रसूल को या दाइल को ये फरमा रहे हैं कि तुम अपनी तब्दीख तो करो इनकी तरफ दावत पहुँचाओ और मेरी तरफ़ दावत दो लोगों को लेकिन इनके पीछे न पड़ो इनको छोड़ दो तुमने दावत पहुँचा दी अब इनको छोड़ दो वज़रनी ज़र नहीं और तुम छोड़ दो और मुझे आ, उन मुझे और उन लोगों को जो हक़ को झुठला रहे हैं जो बाहर ख़ुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं व मह हम कलीला और इनको मोहलत दे दो थोड़ी सी तो मैं आपको ये कह रहा था यही ख़ुलासा अब तक के मज़मून का ख़ुलासा ये है कि ये दुनिया जो है एक आजमाइश है इम्तहान है इसमें अल्लाह तोहलत दिए जा रहा है हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह ताला की दी हुई मोहलत से फ़ायदा उठाएं देखिए ये एक चांस है दुनिया एक चांस है और चांस क्या है कि अगर हम इसमें यानी या होशियार होकर ज़िंदगी गुजारी और अपने अल्लाह को मबूद मान लिया मबूद वाहिद और नफसानी ख्वाहिशात का पीछा छुड़ा के और दुनियावी ख्वाहिशात ज़िंदगी से निजात हासिल करके हमने अगर, अगर अपना रुख अल्लाह ताला की तरफ मोड़ लिया और अल्लाह के रास्ते को इख्तियार कर लिया और अल्लाह के रास्ते पर पैगंबर की तरीके के मुताबिक चल पड़े तो हमारे लिए फिर खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं लहुमलबरा फिलहत दुनिया अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरियाँ हैं अभी में हर एक बात जो है वह तफसी तलब है लेकिन बहरहाल मैं आपको वक्तन फवता बताता रहता हूँ कि आ, असल सूरत हाल क्या है तो मैं यहाँ जो आयत नंबर ग्यारह है हमारी सूर मुज़म्मिल का हम मताल कर रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं इसमें दो तीन बातें हैं इस आयत में दो तीन बातें हैं एक तो हक को जुटलाने वाले कौन लोग होते हैं और महलत मोहलत से फ़ायदा ना उठाने वाले कौन लोग होते हैं और मोहलत का कानून क्या है और फिर यह है कि इसका अंजाम क्या होगा यानी मोहलत जब ख़त्म हो जाएगी फिर अंजाम क्या होगा ये सारी इस एक आयत नंबर ग्यारह के मजामीन हैं और फिर अल्लाह ताला देखें इसमें एक और एक और बात भी है और वो ये है कि वजरनी वलमकजबी इसमें एक तंबी है इसमें एक डर है कि छोड़ दो मुझे और मकज्बिन को मैं इनके साथ निपटूँगा ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि अल्लाह हमने अल्लाह से मुकाबले का आजब कर रखा है शोरी या गैर शोरी तौर पे। वो जरनी वाल मुक़बिन छोड़ दो मुझे और जुटलाने वालों को और जो नमतों अच्छा ये इसमें एक नुक्ता जो मैं आपको कह रहा था कि अल्लाह ताला ने अगर हमारे आ, हमें मोहलत दे रहा है हमारी नाफ़रमानी पर वो खुश नहीं है। आज का माशरा आम तौर पर एक नाफरमान माशरा है एक जाहिल माशरा है आज का माशरा और एक बेवकूफ़ माशरा है जिसने अपने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले ख़रीद लिया है जो ख्वाहिशात दुनिया का तालिब है ये माशरा यदि अल्लाह की रजाओं का हम तालिब नहीं है हम आ, नफसानी ख्वाहिशात के ताबें हैं नफसानी ख्वाहिशात के बंदे हैं ख्वाहात नफसानी हमारा असल मबूद है क़ुरान के अल्फाज के तनाजुर में मैं आपको बता रहा हूँ और वो आयत भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ आर आई तमन हवा हो क्या देखा है तो आपने उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना मबूद बना लिया है यानी ख्वाहिशात नफ्स की बिना ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अगर आप इस आयत की रोशनी में इस माशरे को देखेंगी दे या देखेंगे तो आम तौर पर हमारा माशरा जो है वो ख्वाहिशात नफसानी का पुजारी है हम मज़ों के लिए ज़िंदगी गुजार रहे जिंदगी मज़ों के लिए गुजार रहे हम अल्लाह की बंदगी के लिए ज़िंदगी नहीं गुजार रहे अल्लाह की बंदगी हमारा मतमह नज़र नहीं है हमारा जो कानून है वो क्या है हमारी जिंदगी का आम कानून मैं आसान अल्फाज में आपको ये बता रहा हूँ कि हम ख्वाहिशा नफसानी नفس, की पैरवी हमारा कानून है बड़ा माबू जो है हमारा ख्वाहिशात नफसानी है इल्ला माशा वो तो एक अलग बात है लेकिन आम तौर पे ये माशरा जो है ख्वाहिशात नफसानी का पुजारी माशरा है हम लोग ज़िंदगी से हिज उठाना चाहते हैं इससे महजूज होना चाहते हैं इससे मज़े उड़ाना चाहते हैं ये मज़ों की जगह नहीं है ये हिज़ उठाने की जगह नहीं है बल्कि ये अमल है دار-ul-इम्तिहान है इसमें हमने अमल करना है और इसमें हमने अल्लाह ताला की रजाओं के लिए जद्दोजहद करनी है अपनी और जान को अल्लाह की राह में खपाना है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्जी से गुजारना है लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बात जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी सामने कहाँ मैं आपको बता रहा हूँ फिर क्या होगा यानी अगर यही सूरत हाल रही फिर यह होगा कि हमारी इसका मतलब यह है कि अल्लाह से जंग है हमारी अल्लाह से जंग है हमने अल्लाह से एलान जंग किया है यानी बजबान हाल हम ये अल्लाह को कह रहे हैं कि अल्लाह तेरी बात तो मैंने नहीं मानी तेरे रसूल का उसवा हसना मेरे लिए को उसमें कोई नमूना नहीं है बल्कि जिंदगी तो मैं अपनी मर्जी से गुजारूंगा या गुजारूंगी तो बात यह है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो अल्लाह ताला जो है ने नबी अपने नबी को या हक को ये फरमाता है कि आप मुझे छोड़ दें इन लोगों की इनकी हालत पर छोड़ दें इनकी जंग मेरे साथ है ज़ाहिर है पैगंबर की नाफरमानी या पैगंबर के तरीक़े के मुताबिक या दावत को कबूल ना करना पैगंबर की ये अल्लाह ताला से जंग है यानी जो लोग भी अल्लाह जिनकी मंजिल अल्लाह नहीं है बिलफैल अल्लाह तला से मुकाबले की हालत में है मुकाबला कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको एक बात का हुक्म दे रहे हैं कि वशरूली वाला तकफरूल तुम मेरा शुक्रिया अदा करो और मेरी ना शुक्री ना करो लेकिन हम तो ना शुक्री में अपना वक्त गुजारना चाहते हैं और ना शुक्रे रहना चाहते हैं आप देख लें अपनी कैफियत पर यानी गौर करें ना क़ुरान की आयत तो मेरे लिए हैं आपके लिए हैं हमें अपने आप को देखना होगा कि इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ यानी इस्लाम की जो दावत मुझ पर पेश की गई है या जिसका मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ आज मैं कहाँ पर खड़ा हूँ यह आपको देखना होगा आपने ख़ुद अपना हिसाब किताब लगाना होगा और हदीस है कि हासीबू कबल अंत हासीबू इससे पहले कि तुमसे हिसाब लिया जाए अपना हिसाब किताब कर लो यहाँ पे तो बहरहाल अगली आयत इन न लदा अनकालम व जहीमन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर बारह में कि मेरे पास जो है बीड़ियाँ हैं भारी बीड़ियाँ हैं अनकाल कहते हैं बीड़ियाँ जो आपने बीडियां देखी होंगी ना यहाँ जो कत्ल और ख़तरनाक मुलजम को पेश किया जाता है तो बीड़ियों में पेश किया जाता है लेकिन वो बीड़ियां तो मैंने देखी हैं लेकिन वो इतनी भारी नहीं होती और अल्लाह ताला ने जो बीड़ियां मुजरिमों के लिए और हक को जुटाने के लिए तैयार किए हैं वो बड़ी भारी होती हैं सुमफी सिलसलिन सबरू नजरान को सत्तर गज उसकी पैमाइश है सबसे इसको इसमें जकर्द कुरान में दूसरी जगह है यह एक और बात मुझसे रह गई थी सामने क्राम मुक़्बिन का लफ्ज़ है यहाँ काफीन का लफ्ज़ नहीं है मशरकिन का लफ्ज नहीं है मुकजबिन का लफ्ज़ है मुकज़ब कौन है झुटलाने वाला अब देखें थोड़ा सा इन आयात में आप अगर गौरव फिक्र करें झुटलाने वाले आ, कि कौन झुटला रहा है झुटलाना किसे कहते हैं देखें कुरान में तकफीर और तकजीब दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वल्लिन कफ़रु व कस जबू बे आया तेनाय का असहाब्नाफिया खालिदून सूर बकरा में है ये कि जिन लोगों ने इनकार कर दिया या झुटला दिया अब देखें झुटलाना क्या है मान के न मानना मान के न मानना इसका मतलब क्या होता है झुठलाना यानी अल्लाह ताला को आप बस तो मान रहे हैं कि ला अला ज़बान से तो आप कह रहे हैं लेकिन हकीक़त में आप यानी मैं अगर आपको कहूँ कि आपका इस माशरे का इज्तमाही कलमा क्या है कि ला अला नफ्सा नफ्स की मैं पुजारी हूँ नफ्स की मैं बात महूँ मैं जो कहूँगा वो हो वो होगा मैं मेरी मर्जी ये मेरी ज़िंदगी है और ये मेरी ज़िंदगी है और इसमें मेरी मैं अपनी मर्ज़ी आम तौर पे देख लें कि हम आ, यानी हमारी आम रिवायत ये है कि हम अपनी मर्ज़ी हर एक अपनी मर्ज़ी मनवाना चाहता है और ये बात जो है ये हमारी नफसानी खराबियों में से एक है जो अखलाक रज़ीला हैं उसमें से एक है कि हम अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं तो वरनी वलमक़बीन आप छोड़ दें मुझे और झुटलाने वालों को नामा तो बहरल ये झुठलाना जो है मैं आपको बताऊँ थोड़ी सी इसकी मैं वजाहत कर दूँ असल में इस दायरे में हम खुद भी आते हैं ये झुटलाने वालों के दायरे में खुद भी हम भी आते हैं और वो इसकी तशरी ये है कि देखें झुटलाने का मतलब क्या है कि आप जिस यानी जबान से जो मान रहे हैं लेकिन हकीकत में आप वो मान न, मानते नहीं हैं झुठलाते हैं उसे मिसाल के तौर पे एक मरीज है वो उसको किसी डॉक्टर का पता कोई बताता है कि भाई तुम ये बीमार हो और तुम जाओ फल डॉक्टर फल डॉक्टर के पास वो बड़ा मशहूर डॉक्टर है और बड़ा काबिल है तुम उसके पास जाओ उससे इलाज करवा लो अब इसका इस इस इसकी अपनी जो मरीज है इसकी अपना यकीन नहीं है उस डॉक्टर पे बहरहाल वो किसी के कहने पर चला जाता है वहाँ से अपना उसको दिखा भी देता है उस डॉक्टर को और उससे अपना नुस्खा भी लिखवा लेता है वो अप दवाइयों का एक नुस्खा परहेज इलाज ये बता देता है कि भाई ये, ये परहेज है ये ये तुम्हारा इलाज है ये दवाई है तो तुमने ये करनी है वो ले आता है उस नुस्खे को चूम के एक प्यारे से ख़त में बंद कर लेता है वो नुस्खा जो डॉक्टर ने इसकी बीमारों के लिए लिखा था तो वो बड़ी हिफाजत से उसको तह करके एक ख़ूबसूरत लिफाफे में बंद करके या उसको एक जिल लगा के या उसको प्लास्टिक में महफूज करके उस नुस्खे को बंद करके और वो सुबह शाम जो है उसको चूमता रहता है ये नहीं देखता कि इसने डॉक्टर ने इस नुस्खे में मुझे परहेज क्या बताया इलाज क्या है मैंने दवाई कौन से लेनी है ये नहीं करता और बस वो चूमता रहता है ये बड़ा काबिल डॉक्टर है बड़ा काबिल डॉक्टर बस बस चूमना ख़त को चूमना जो है उसने एक काम बना लिया है या ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर रहा है कि सुबह और शाम जो है उसमें दवाइयाँ जो लिखी हैं उसकी तलावत कर रहा है उसकी तिलावत कर रहा है तलावत कर रहा है सुबह भी तलावत कर रहा है उसकी यानी पढ़ रहा है उसे तिलावत का मतलब पढ़ रहा है यह पोस्टान है यह मंगटीन है ये वगैरह वगैरह तो अब यह है ना कि यह शख्स तो अमली तौर पर जुटला रहा है उस डॉक्टर को उसके उसके नुस्खे को जुटला रहा है उसके नुस्खे पर अमल नहीं कर रहा वो दवाइयाँ नहीं ले रहा तो ये उसके नुस्खे को झुटला रहा है कुरान किताब हिदायत है कुरान किताब शिफा है ये कोई ऐसा मजाक कलाम नहीं है। ये इंसान की कामयाबी के लिए है हमने इसको खूबसूरत जजदान में बन करके और इसको सुबह और शाम जो है चूमते रहते हैं और इसको इसकी तिलावत करते रहते हैं अगरचे इसकी तिलावत कोई नाजायज़ काम तो नहीं है सवाब है उसका एक लेकिन सवाब उन लोगों के लिए है कुरान की तिलावत का जो कुरान पर यकीन रखने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए नहीं है जो कि इस पर यकीन नहीं रखते हमारा आज कुरान पर यकीन नहीं है यह बात जरा नोट कर लें सामने कराऊ हम इसको झुठलाने वाली कौम है कुरान को झुठलाने वाली कौम है और इन अल्फाज को देखें यह जज्बाती अल्फ नहीं है। इस पर आपको सोचना होगा खुद सोचना होगा कि आया आपने कुरान को महज़ तिलावत नाजरा हिफ्स के लिए आपने वक्फ कर रखा है इससे आपने कोई हिदायत नहीं लेनी ये बड़ी शर्म की बात है तो ये झुठलाना है वज़र नी वलमकबी बहरल आज का जो है तिला, मैं तिलावत करता हूँ मेरे साथ दोहराइए बसमिल्लि وَزَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَتَعَامًا ذا وَعَذَابًا أَلِيمًا أَبِنْ آيَاتِ كِي وترجمة